तो अब हम कुछ फार्मूले को सिद्ध करेंगे. इसमें से पहला फार्मूला है cot ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, ये होता है cot a इंटू cot b माइनस माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot a. इसी तरीके से दूसरा फार्मूला होता है cot a माइनस बी. cot a माइनस बी में यहाँ पर ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें मिलेगा cot a इंटू cot b प्लस वन अपॉन cot b माइनस cot a. तो अब हम पहले का सत्यापन देखते हैं. cot a प्लस बी, तो cot a प्लस बी को हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी, क्योंकि cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब ये cos a प्लस बी है, इसका एक्सपेंशन हमने पढ़ लिया है. cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन sin a प्लस बी, ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b. तो देखिए ये cot a cot b है और यहाँ पर हमें cos a cos b दिख रहा है. तो यदि इस पद को हम sin a sin b से भाग दे दें तो हमें cot a cot b मिल जाएगा. उसी तरीके से शेष पद भी हमें आगे मिल जाएंगे. प्रत्येक पद को हम sin a sin b से भाग देंगे. तो चलिए इसे लिख रहे हैं cos a cos b अपॉन sin a sin b माइनस sin a sin b अपॉन sin a sin b, और फिर ये अपॉन ये जो sin a cos b है इसे हम भाग देंगे sin a sin b से. इसी तरीके से ये जो cos a sin b है इसे भी हम भाग देंगे sin a sin b से. देखिए तो cos a अपॉन sin a इसे हम लिख सकते हैं cot a, फिर cos b अपॉन sin b इसे हम लिख सकते हैं cot b, फिर sin a sin b अपॉन sin a sin b ये कैंसिल होकर के आ जाएगा वन. इसी तरीके से sin a cos b ये कैंसिल हो जाएगा. इसी तरीके से ये जो sin a है और ये sin a दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है cos b अपॉन sin b तो इसे हम लिख सकते हैं cot b. सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये sin b है और यहाँ पर sin b, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा cos a अपॉन sin a तो इसे हम लिख सकते हैं cot a. तो देखिए कि ये cot a cot b माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot a ये हमने सिद्ध कर लिया है. तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि cot a प्लस बी इक्वल टू cot a cot b माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot a. अब दूसरे का सत्यापन देखते हैं जहाँ पर हमें cot a माइनस बी के लिए प्रूफ करना है. तो सिमिलरली जिस तरीके से हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया है उसी तरीके से इसे भी हम सिद्ध करेंगे. cot a माइनस बी इसे हम लिखेंगे cos a माइनस बी अपॉन sin a माइनस बी. इसे आगे एक्सपेंड कर सकते हैं cos a माइनस बी, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, और फिर sin a माइनस बी ये होता है sin a cos b माइनस cos a sin b. फिर से देखिए यहाँ पर हमें चाहिए cot a cot b और यहाँ पर हमें वन चाहिए. तो ये जो sin a sin b है इसे हम इस पूरे पद को हम यदि sin a sin b से भाग दें तो यहाँ पे हमें वन मिल जाएगा, और यहाँ पर cos a cos b अपॉन sin a sin b तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं cot a cot b. उसी तरीके से हर को भी उसी पद से हमें भाग देना होगा. तो cos a cos b अपॉन sin a sin b प्लस sin a sin b अपॉन sin a sin b, और फिर हर में ये पद है sin a cos b अपॉन sin a sin b माइनस cos a sin b अपॉन sin a sin b ये इक्वल टू. अब देखिए cos a अपॉन sin a इसे आप लिख सकते हैं cot a, cos b अपॉन sin b इसे लिख सकते हैं आप cot b,
फिर ये प्लस वन अपॉन साइन ए कॉस बी, यहाँ पर ये जो साइन ए और यहाँ पर साइन ए ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, कॉस बी अपॉन साइन बी, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट बी, फिर माइनस ये साइन बी और ये साइन बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन ए तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट ए। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि कॉट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये जो मान है कोण ए और बी के सभी मानों के लिए सत्य है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं, हमें साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। अब ये साइन 15 डिग्री ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है, हमारे पास होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन 15 डिग्री नहीं होता है, तो इसे हम किसी कोणों के योग या अंतर के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। और ये कौन कौन सा कोण हो सकता है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 माइनस 30। तो देखिए 45 माइनस 30 करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, तो साइन 15 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए साइन ए माइनस बी ये इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, पहला एंगल है माइनस दूसरा एंगल है, तो साइन ए माइनस बी हमने चौथे सूत्र में लिखा है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से, या इसके उपयोग से हम इसे हल करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 15 डिग्री इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर ए जो है ये 45 अंश है और बी जो है ये 30 अंश है, ये ए है और ये बी है, साइन ए तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, कॉस बी और बी है 30 डिग्री तो आप लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस ए आप लिखेंगे कॉस 45 डिग्री और फिर साइन बी, साइन बी ये 30 डिग्री। तो ये जो मान है साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30 ये आपने देखा हुआ है पहले से, तो आपको ये पता होना चाहिए। साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, ये मान हमने रख दिया। फिर कॉस 30 ये होता है रूट 3 बाई 2, माइनस कॉस 45 ये होता है 1 बाई रूट 2 और साइन 30 ये होता है 1 बाई 2। इसे जब आप आगे हल करेंगे देखिए 2 रूट 2 ये दोनों में है, लघुत्तम से आप आ जाएगा और अंश में आपको मिलेगा वर्गमूल 3 ऋण 1। तो इस तरीके से साइन 15 डिग्री का मान हमें प्राप्त हुआ रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। इसी तरीके से आप कॉस 15 टेन 15 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कॉस 15 डिग्री, तो इसे आप लिखेंगे कॉस 45 माइनस 30 डिग्री और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फार्मूला उपयोग में आएगा, तो हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर 45 ये ए है और 30 जो एंगल है ये बी है, कॉस ए तो आप लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, लेकिन ये किसका मान है, कॉस 15 डिग्री का मान हम निकाल रहे हैं, कॉस 15 डिग्री इक्वल टू कॉस ए कॉस 45 कॉस बी मतलब 30 डिग्री प्लस साइन ए साइन 45 डिग्री है और साइन बी ये साइन 30 डिग्री है, तो इसका मान हम रख देते हैं कॉस 45 ये होता है 1 बाई रूट 2, कॉस 30 ये होता है रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 45 ये होता है 1 बाई रूट 2 और साइन 30 ये मिलेगा 1 बाई 2। इसे आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, फिर से लघुत्तम समापर्त जो है वो 2 रूट 2 है और अंश में हमें मिल रहा है रूट 3 प्लस 1। तो इस तरीके से कॉस 15 डिग्री का जो हमें मान मिला है वह है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। साइन 15 का मान आपको पता है, सर्वसमीका का उपयोग करके भी आप कॉस 15 का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं, दिया है
यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 व कॉस बी इक्वल टू 12/13 हो तो साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। हमारे पास साइन ए है और कॉस बी है, तो हमें क्या क्या पहले ज्ञात करना होगा? पहले हमें ज्ञात करना होगा कॉस ए और साइन बी, ये दो मान हमें ज्ञात करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5 व कॉस बी इक्वल टू 12/13। तो सर्वसमिका में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर, सर्वसमिका में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट में रखें और इसको पक्षांतर कर दें तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा आसान है। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? कॉस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 1 माइनस ये साइन ए का स्क्वायर है, तो यहाँ से मिलेगा 3/5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 9/25 ये आपको मिल जाएगा 16/25, ये आपको मिल जाएगा 16/25। लगता है वहाँ पर आएगा 25 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा 16 बाई 25, ये स्क्वायर रूट में है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कॉस ए इक्वल टू 4/5। अब आ जाते हैं कॉस बी, कॉस बी आपको पता है और साइन बी निकालना है। तो यहाँ से इसका हम थोड़ा सा रूपांतरण कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत आसान है। तो इस फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे? साइन बी इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर यदि कॉस ए है तो यहाँ पर साइन ए होगा, और यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ पर कॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से साइन बी हमें मिलने वाला है। हल करते हैं आगे, 1 माइनस कॉस बी का स्क्वायर है ये 12/13 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप हल करेंगे तो 1 माइनस 144/169। तो आपको मिल जाएगा रूट ओवर 25/169। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है साइन बी इक्वल टू 5/13। साइन ए कॉस बी दिया हुआ था, कॉस ए और साइन बी हमने निकाल लिया है। अब हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए 3/5, कॉस बी 12/13 प्लस कॉस ए ये हमने निकाल लिया है 4/5, साइन बी ये हमने निकाल लिया है 5/13। इसको गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 36/65। इसी तरीके से इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 20/65। दोनों का लघुत्तम समापवर्त समान है, 65 है, ऐड कर दीजिए 36 + 20। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 56/65। तो आपको मिल गया साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 56/65। तो ये एक उत्तर है। अब हम आगे निकालेंगे कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर मान रखते जाइए, कॉस ए
4 अपॉन 5, कॉस बी 12 अपॉन 13 प्लस साइन ए ये है 3/5 और साइन बी ये है 5/13। यहाँ से आपको मिल जाएगा दोनों को गुणा करेंगे 48 अपॉन 65 प्लस इसको गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 15 अपॉन 65। अल्टीमेटली दोनों का जो हर है ये समान है तो लघुत्तम समापवर्तक में मिलेगा 65, ऊपर ऐड कर देंगे 48 प्लस 15 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 63 अपॉन 65। तो इस तरीके से हमने कॉस ऑफ ए माइनस बी निकाला है जो कि है 63 अपॉन 65। यही इसके लिए उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन टू ए। तो पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इस पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये साइन, अगर ये कोई एंगल है साइन कॉस फिर साइन फिर कॉस और बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर जितने भी हमने फार्मूले देखे हैं उसमें साइन कॉस कॉस साइन ये एक तो पहले समीकरण में या पहले सूत्र में है और दूसरा है चौथे में, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन का उपयोग किया गया लेकिन यहाँ पर तो प्लस साइन है। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न वन को बिलोंग करता है, पहले सूत्र को बिलोंग करता है। ये बड़ा आसान हो सकता है यदि मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को एक दूसरा एंगल के नाम से रूपांतरित कर दूं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। माना ए प्लस बी, इसे हम एक्स नाम दे देते हैं, और ए माइनस बी इसे हम वाई नाम दे देते हैं। अब यदि पहले और दूसरे को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा और राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, तो ये बी प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू टाइम्स ए, जिसका कि उपयोग हम आगे चलकर करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, ये है साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी को हम एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स फिर कॉस वाई प्लस साइन वाई और कॉस एक्स। ये जो है साइन ए प्लस बी के पैटर्न को बिलोंग कर रहा है और ये एग्जैक्टली साइन ए प्लस बी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ये साइन एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस वाई का मान हमने टू ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ टू ए। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर के चले थे और अब देखिए राइट हैंड साइड पे पहुँच चुके हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यह इस तरीके से सिद्ध होता है कि साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन टू ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि टेन ए इक्वल टू वन बाई टू और टेन बी इक्वल टू वन बाई थ्री हो तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई फोर। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए इसे सिद्ध करने के लिए हम इसको लेकर के चलेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और हमें जो चाहिए वह मिल जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई फोर दिया गया है, दोनों पक्षों में टेन लेने पर, देखिए टेन ए और टेन बी दिया गया और ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई फोर दिया गया, तो दोनों पक्षों में जब हम टेन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई फोर।
टेन पाई बाई फोर 45 डिग्री और टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। टेन ए प्लस बी, ये देखिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी इक्वल टू 1। अब देखिए यदि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलें और वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमें 1 अगर मिल जाता है तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, यहाँ पर है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन ए 1 बाई 2, टेन बी 1 बाई 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 टू 1 बाई 3। इसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त है ये आएगा 6 और ऊपर में आ जाएगा 3 प्लस 2, इसी तरीके से ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 6, ये है 5 बाई 6 अपॉन, इसे जब हल करेंगे तो नीचे में आपको मिलेगा 6 और ये 6 माइनस 1 मिलेगा 5, तो 5 बाई 6 ए आपको मिल गया इक्वल टू है 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 है, जो कि सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है जहां पर है सिद्ध कीजिए कि टेन 25 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री प्लस टेन 25 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इक्वल टू 1। तो इस तरीके का कभी भी कोई प्रश्न मिले जहाँ पर टेन के दो अलग अलग कोण योग में हैं, फिर योग के साथ में वही दो कोण गुणा के रूप में है, तो आपको हमेशा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो चलिए इसे सिद्ध करेंगे। हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये होता है। तो इस तरीके से हम टेन 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 25 प्लस 20 डिग्री, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेन ए ये है टेन 25 डिग्री प्लस टेन बी मतलब टेन 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन ए, तो टेन 25 डिग्री और टेन बी टेन 20 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसके इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 1। चलिए तो हमें मिल गया टेन 25 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन 25 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इक्वल टू 1। बड़ा आसान है, तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये पद का गुणा इसके साथ होगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा टेन 25 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस टेन 25 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री। अब ये रूप और ये रूप में देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दो पद हैं ये तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पद है वो नहीं आया है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमें 1 मिल गया है, तो ये जो पद है इसे हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए टेन 25 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री प्लस टेन 25 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इक्वल टू 1, जो कि हमें सिद्ध करना था और इस तरीके से हम सिद्ध कर चुके हैं कि टेन 25 प्लस टेन 20 प्लस टेन 25 इंटू टेन 20 इक्वल टू 1।